हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त मिलन माझी फिर से वेलकम करता हूँ विद ए न्यू राइडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, जो न्यू बाइकर्स है, जो नया नया बाइक चलाना सीखे हैं, या फिर जो बाइक तो बहुत दिन से चला रहे हैं लेकिन ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा बाइक चलाने का तजुर्बा नहीं है, उन लोगों के साथ एक दिक्कत क्या होता है कि बाइक का स्टार्ट जो है वो ट्रैफिक में फ्रीक्वेंटली बंद हो जाता है। और ट्रैफिक में अगर बाइक का स्टार्ट बंद हो जाए तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से हमारा बाइक का स्टार्ट जो है वो बंद हो जाता है, और बाइक को किस तरीके से हमें चलाना चाहिए ट्रैफिक में ताकि हमारा बाइक का स्टार्ट जो है वो कभी बंद ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस तरह का जो है राइडिंग टॉपिक रिलेटेड अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो जो है वो डला हुआ है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिल पाए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक का जो स्टार्ट है वो ट्रैफिक में बंद होने का मेन रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा बाइक जब ट्रैफिक में चल रहा होता है तो नेचुरली बाइक का स्पीड कम होता है, और उस टाइम पे हम लोग सही टाइम पे जो है गियर को डाउनशिफ्ट करना भूल जाते हैं, यानी कि गियर एंड स्पीड का जो रेशियो है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हम लोग सही तरीके से बैठा नहीं पाते। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कितने स्पीड में कौन से गियर में बाइक को चलाना है तो इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब हमारा बाइक ट्रैफिक में चल रहा होता है, कभी बाइक को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ता है, कभी फ्रीक्वेंटली जो है हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली क्लच को प्रेस करना पड़ता है। तो यही एक मेन रीज़न है कि गियर एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन हम गलत तरीके से करते हैं और बाइक का स्टार्ट जो है वो बंद हो जाता है। और दोस्तों, ट्रैफिक भी हमें बहुत तरह का देखने को मिलता है, जैसा कि स्लो मूविंग ट्रैफिक जहाँ पे गाड़ी वगैरह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। सेकंड टाइप का जो ट्रैफिक है वो है फास्ट मूविंग ट्रैफिक, जहाँ पे गाड़ी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है। और तीसरे टाइप का जो ट्रैफिक है वो है रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक, जहाँ पर गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है। और दोस्तों, जो रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक है वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मानो कि हमें थोड़ा सा खुला रोड मिला, हमने एक्सेलरेट किया बाइक को और सामने कुछ ट्रैफिक वगैरह आ गया तो बाइक को बहुत ज़्यादा स्लो करना पड़ा, और ट्रैफिक थोड़ा सा हट जाने पर हमें फिर से एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग गियर को जो है चेंज करना भूल जाते हैं, और बाइक हाई गियर पर रह जाता है और फिर से हम लोग एक्सेलरेट करने लगते हैं तो बाइक का स्टार्ट जो है वो झटका खा के बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हमें करना कि हमें बाइक को जो है ट्रैफिक में सेकेंड से थर्ड गियर के अंदर चलाना है। अगर थोड़ा सा खुला रोड मिलता है तब आप जो है बाइक को फोर्थ गियर में ले जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेकंड या थर्ड गियर में बाइक को चलाना है। और कभी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाइक को स्लो करना पड़े, मानो कि पैर जो है नीचे एकदम नीचे उतार के आपको बाइक को ले जाना पड़ रहा है, तब आपको बाइक को फर्स्ट गियर में चलाना है, इससे जो है आपका बाइक का स्टार्ट बंद नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड लेने की ज़रूरत पड़े, मानो कि आपका पैर जो है बाइक के फुटरेस्ट के ऊपर ही है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम हल्का स्पीड है, तो उस टाइम पे जो है आप बाइक को सेकंड गियर पे चलाएं। और एक बात दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम रुक रुक के ट्रैफिक में चला रहे हैं, रुक रुक के चलने वाला ट्रैफिक में चला रहे हैं बाइक को, तो उस टाइम पर हमें क्लच को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लच को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स है, जो नया नया बाइक चलाना सीखे हैं, उनको लगता है कि बाइक का क्लच अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बाइक का क्लच प्लेट जो है जल जाएगा, बाइक का क्लच जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बाइक का क्लच इसीलिए दिया गया है कि ट्रैफिक में जो है हम सही तरीके से बाइक को चला पाए। और हब क्लच आप डेफिनेटली कर सकते हो, हब क्लच से रिगार्डिंग भी मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आप लोगों को पता नहीं कि हब क्लच क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपको हब क्लच करना है जब हमारा बाइक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है, और फिर से जब हमें एक्सेलरेट लेना पड़ता है। तो हर बार ये कंपलसर नहीं कि आपको गियर चेंज ही करना पड़े, आप थोड़ा सा हब क्लच करके भी जो पोजीशन है वहाँ से निकल सकते हो और उसके बाद जो है बाइक को एक्सेलरेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हब क्लच करने के दौरान हमारे क्लच प्लेट का सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब हम हब क्लच करते हुए एक्सेलरेट करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना, कभी भी हब क्लच करते हुए बाइक को एक्सेलरेट मत करो। जिस टाइम पे आप हब क्लच करे हुए हो उस टाइम पे आप एक्सेलरेट को जीरो करके रखो और हब क्लच धीरे धीरे रिलीज़ करके उसके बाद ही जो है एक्सेलरेट को फिर से जो है आप आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है क्लच कंट्रोल के रिगार्डिंग। बहुत सारे जो न्यू बिगिनर है, जो न्यू राइडर है, वो क्या करते हैं, क्लच को सही तरीके से पकड़ते नहीं है, सही तरीके से ना पकड़ने के वजह से जो है उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लच को अगर आप सही तरीके से रिलीज़ सही टाइम पर रिलीज़ नहीं कर पाओगे, सही टाइम पर प्रेस नहीं कर पाओगे, क्लच नहीं कर पाओगे, तो इससे जो है बाइक का स्टार्ट डेफिनेटली बंद होगा। तो
बेहतर ढंग से क्लच को पकड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को हमेशा ट्रैफिक में जो है दो उंगलियों से क्लच को पकड़ना, और ट्रैफिक में ही नहीं हमेशा ये आप आदत डाल लीजिए, कहीं पे भी आप बाइक चला रहे हो दो उंगलियों से क्लच को प्रेस करने की आदत डालो। इससे जो है क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बनेगा, आप सही अमाउंट में जो है उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल पाओगे, और क्या है हैंडल के ऊपर भी आपका ग्रिप जो है वो सही तरीके से बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ट्रैफिक में बाइक चलाने के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि बाइक का स्टार्ट क्यों बंद हो जाता है और किस तरीके से जो है हमें बाइक को चलाना चाहिए ताकि बाइक का स्टार्ट जो है वो बंद ना हो, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि घबराहट होती है, बहुत सारे बिगिनर राइडर जो न्यू बाइक चलाना सीख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइक जब वो ट्रैफिक में चला रहे तो उनके मन में से डर कैसे निकाले, और फिर ट्रैफिक में ओवरटेक करना है या कि नहीं करना है, कैसे ओवरटेक करना है अगर करना है तो, और किस तरीके से चलाना है ताकि जो है बाकी कार वगैरह आपको पीछे से ठोक ना दे। तो ये सारे टॉपिक को लेकर अलग अलग वीडियो जो है मेरे चैनल पे आने वाला है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल हो आप लोगों के मन में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।